हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो के अंदर गाइज़ यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोन रिपेयर के लिए आया हुआ है, जैसा कि गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी गाइज़ जो हमारे पास फ़ोन रिपेयर में आया है, ये भी एक टेक्नीशियन का फ़ोन है और ये फ़ोन उसके पास कस्टमर का आया है, बट मेरे पास ये रिपेयर के लिए आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर का इस प्रॉब्लम है डेट की, फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। तो आज का ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखिए। आज के इस वीडियो के अंदर गाइज़ इसको हम चेक करेंगे जो फ़ोन है वो ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है गाइज, तो इसको हम सीधे आपको डीसी मशीन के ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट लगा के इसको चेक करेंगे कि इसमें जो है वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो अभी गाइज सबसे पहले हम इनका जो बूट केबल है वो हम निकाल लेते हैं और उसके बाद गाइज सीधे इसको जो है वो हम अभी यहाँ पे ये बूट केबल हमारा मिल चुका है। तो अब गाइज हम लेके चलते हैं आपको बूट केबल की तरफ, मतलब सॉरी डीसी मशीन की तरफ, और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो डीसी मशीन हमारा। ठीक है, अभी यहाँ पर शायद आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे अभी आपको डीसी मशीन प्रॉपरली दिख रहा होगा। तो अभी गाइज हम इसके ऊपर जो है वो सिंपली अपना बूट केबल कनेक्ट करेंगे और देखेंगे इसके अंदर, इस डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज ये हमारा इनकी जो बैटरी की पॉइंट्स है उनको हम बाहर निकाल देते हैं और गाइज इसी तरीके से सिंपली हम इसके ऊपर जो है वो केबल लगा देते हैं। देखो गाइज, हमने यहाँ पे केबल को कर दिया कनेक्ट, कोई भी एम्पेयर ऑटो कंज्यूम नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब गाइज हम क्या करते हैं, इनकी जो पावर की है उनको हम यहाँ से प्रेस करते हैं। ठीक है, देखो गाइज जैसा हमने इनकी पावर की को प्रेस किया तो गाइज अब इनकी जो रीडिंग है वो आप देख सकते हो डीसी मशीन पे कितना जा रहा है, और ये भी आप देख सकते हो कि फ़ोन हमारा यहाँ पे ऑन नहीं हुआ। देख सकते हो गाइज यहाँ पे ये 600 के अंदर ही रीडिंग फैक्चुलेट हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके की गाइस इसके ऊपर डीसी रीडिंग शो हो रही है, यहाँ पे साफ दिख रहा होगा। ठीक है, सेट पे ना कोई डिस्प्ले आ रहा है, ना कोई वाइब्रेट हो रहा है, कोई भी लाइट कुछ भी शो नहीं हो पा रहा है इस डिवाइस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाई बूटिंग है एकदम, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से फैक्चुएट हो रहा है और सेट ये ऑन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन पे गाइस हमारा जो डिवाइस है वो हल्का हल्का हीट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम गाइस क्या हो गया, इस डिवाइस के अंदर क्या हो गया, हमारा हाई बूटिंग प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, मतलब ये जो डिवाइस है वो इसके अंदर ना कोई शॉर्ट नहीं शो हो रहा है, डीसी मशीन के हिसाब से कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, बट डीसी मशीन पर जब हम इनकी रीडिंग को पावर की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो रीडिंग है वो हाई हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट जो डीसी मशीन की रीडिंग है उतनी हाई नहीं जानी चाहिए थी, धीरे धीरे रीडिंग जो है वो जब सेट ऑन होता है तब जाके जिस मतलब 600 मिली एम्पेयर या फिर जो है आपको 500 मिली एम्पेयर इस तरीके से जब हमारा फ़ोन सेकेंड लोगों पे आ जाता है तो इतना एम्पेयर जाता है। ठीक है, फिलहाल गाइज वहाँ पे हमने आपको दिखा दिया और एक बार मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए ये USB चार्जर, इनकी बैटरी को गाइज यहाँ पे हम कर देते हैं कनेक्ट। ठीक है, बैटरी को गाइज हमने कर दिया कनेक्ट और इस तरीके से सिंपली इसके ऊपर हम चार्जिंग इंसर्ट कर देते हैं। देखो गाइज इसके ऊपर चार्जिंग गाइज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी पकड़ा नहीं है अभी तक, शायद इनके थोड़ा सा जैक को ठीक से लगा के देखता हूँ। देखो गाइज अभी ये कुछ भी नहीं पकड़ा है, एक बार सब कुछ जो है वो चेक कर ले। देखो गाइज यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देखो गाइज 0.6 मिली एम्पेयर पकड़ा हुआ है। ठीक है, और इस कंडीशन पे अगर मैं इनकी बैटरी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो ये 0.0 हो जाता है। ठीक है, बैटरी लगा देता हूँ तो भी गाइस ये जो है वो देख सकते हो 0.6 ले लिया। ठीक है, देखो गाइस मैं एक चीज आपको बताता हूँ, कभी भी कोई भी फोन अगर जो हाई बूटिंग की प्रॉब्लम आती है, अगर डीसी मशीन आपका उसको शो नहीं कर पा रहा है, ये नहीं बता पा रहा है कि फोन के अंदर शॉर्टिंग या फिर प्रॉब्लम क्या है, तो गाइस एक सिंपल सा तरीका है कि जब फोन के अंदर आपके हाई बूटिंग मिले इसका मतलब गाइस फोन के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज शॉर्ट है, हाई बूटिंग शॉर्टिंग की वजह से ही आती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मदरबोर्ड की कुछ कंडीशन, ये ऊपर साइड की कंडीशन है। ठीक है, अभी मैं बैक साइड दिखाता हूँ, ये कुछ बैक साइड की कंडीशन है। ठीक है, मतलब काम जो है उन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ है। देखो यहाँ पे एक कैप टूटा हुआ है, इधर गाइस हम यहाँ पे देखते हैं तो गाइस इधर भी देखो एक कैप यहाँ पे टूटा हुआ है, जस्ट एक कैप यहाँ पर भी टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कैप्स इसके ऊपर टूटे हुए हैं। देखो गाइस हाई बूटिंग की जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो कम वोल्टेज वाली लाइन शॉर्ट होने के वजह से भी आती है। ठीक है, ज़्यादातर हमने जो देखा है गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूँ, ज़्यादातर हमने देखा है कि हाई बूटिंग वाली जो प्रॉब्लम आती है, जो कम वोल्टेज वाली लाइन होती है उसी के अंदर कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग होती है गाइस। ठीक है, देखो अगर नॉर्मल कोई लाइन में शॉर्ट होता तो आपका डीसी मशीन कुछ ना कुछ रीडिंग जो है वो लेगा, ऑटो रीडिंग लेता है, बट इसके अंदर कोई ऑटो रीडिंग नहीं है। जब इनकी पावर की प्रेस कर रहे हैं तब बूटिंग हाई हो रही है, मतलब तब जाके जो वोल्टेजेस है वो हमारा जो है वो डीसी मशीन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसके लिए गाइज इसको कंफर्म करने के लिए हम गाइज अभी अपने मल्टीमीटर के ऊपर यहां पर हम इसको अभी डायोड मोड के ऊपर सेट कर देते हैं। देखो गाइज हमने डायोड मोड के ऊपर सेट कर दिया है,
शायद आपको यहाँ पे साफ दिखे कुछ इस तरीके से, ठीक है अभी देख सकते हो। तो अभी हम सिंपली सबसे पहले गाइस इसके बैटरी कनेक्टर के ऊपर चेक करेंगे कोई शॉर्टिंग है कि नहीं, तो रेट सिंपली ग्राउंड करते हैं और इस तरीके से हम पहले चेक करते हैं। देखो गाइस ये नॉर्मल रीडिंग है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो ये ग्राउंड था। अभी सीधे फॉरवर्ड वाइज में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो गाइस कितनी रीडिंग आ रही है, 1800 कुछ रीडिंग आ रही है, जो कि एक नॉर्मल रीडिंग है गाइस, इसको हम शॉर्टिंग नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी चीज गाइस इधर हम आते हैं और यहाँ पे देखो इसको हम डीसी टू डीसी आईसी कह सकते हैं, हमारी ये चार्जिंग वाली आईसी है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी वीपीएच कॉइल लगी हुई है, तो हम इधर एक बार जो है कुछ इस तरीके से रख के पॉइंट को चेक कर लेते हैं। देखो गाइस एक साइड ग्राउंड है, दूसरी साइड चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रीडिंग है, ठीक है। कॉइल के जड़ में चेक करना है गाइस आपको, तो ये कॉइल का जड़ जो है उसमें हम चेक कर रहे हैं। देखो गाइस कॉइल के जड़ में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो गाइस मेरे हिसाब से क्या शॉर्ट आ रहा है क्या, एक बार मैं देखता हूँ फिर से। सॉरी यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा, इस कैप पे कनेक्ट करके देखता हूँ। देखो गाइस ये नॉर्मल रीडिंग है, ठीक है 300 आ रहा है रिवर्स में। अभी फॉरवर्ड वाइज में चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ 2300 के समथिंग रीडिंग आ रहा है, जो कि बिल्कुल शॉर्ट है ही नहीं डिवाइस के अंदर, ठीक है। अब गाइस हमें चेक करना है यहाँ पे जितने भी बग्स हैं, बग लगे हुए हैं उन सभी को चेक करना है, क्योंकि गाइस आपको मालूम है ये जो बग होते हैं गाइस वो हमारे किस चीज के लिए होते हैं, ठीक है। ये होते हैं गाइस वोल्टेजेस को कम करता है और इसके अंदर एम्पेयर हाई करता है गाइस, ठीक है फ्रेंड। तो अभी इस वाले लाइन के अंदर जो है वो हम चेक करेंगे, जितने भी सारे बग हैं उन सभी बग को चेक करना है। तो कुछ इस तरीके से हम सभी बग को चेक करेंगे, आप मल्टीमीटर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इस बार कुछ इस तरीके से भी चेक करता हूँ, तो ये भी बग्स ओके आ रही है। अब इसके जड़ में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ बग ऐसी होती है जिनके जड़ में चेक करना होता है। ऊपर में ये सेमीकंडक्टर जो है वो पदार्थ से बना होता है, तो ऊपर में आपको ये टच नहीं होगा, ये कॉइल्स की तरह कैप है, तो इसलिए ऊपर में पॉइंट्स है जो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बट इनकी जो पॉइंट्स है वो इंटरनली है, तो आपको थोड़ा सा जर में या फिर इसके आगे वाले सिरे पे जहाँ पे हल्का सा आपको एरिया दिख जाए वहाँ पे टच कर लेना। यहाँ पे देखो रीडिंग ओके है, ठीक है। फिर से एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। चलो तो अभी इसके आगे एक बार चेक कर लेते हैं कॉइल, ये भी गाइस ओके है, ठीक है। और इसके एक बार जड़ में चेक करता हूँ, तो एक बार मैं मदरबोर्ड थोड़ा सा मूव करता हूँ। देखो गाइस ये भी, ये 0.8 है, तो ये भी गाइस हमारा ओके है। ये वी कोर की लाइन हो सकती है हमारे सीपीयू की, तो ये इतनी वोल्टेजेस रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, ये देखो गाइस एक कॉइल, ये कॉइल आप देख सकते हो गाइस कि एक साइड हमारा ग्राउंड आ रहा है, ये बी पार है। मैं एक बार इसको बजर मोड के ऊपर सेट करता हूँ, देखो देख सकते हो बजर मोड आ रहा है, मतलब गाइस ये जो कॉइल है वो शॉर्ट है, ठीक है। अभी हम दूसरे कॉइल के ऊपर चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये भी कॉइल ओके गाइस। अब इस वाले कॉइल को चेक करें तो गाइस ये भी कॉइल ओके है, ठीक है। मतलब गाइस इसके अंदर ये कॉइल जो है वो मुझे शॉर्ट मिल रहा है, अब देख सकते हो गाइस कि ये कॉइल मुझे शॉर्ट मिल रहा है। तो अभी गाइस एक कंडीशन हो सकती है, अभी मैं क्या करता हूँ इस वाले कॉइल को मैं बाहर निकालता हूँ, ठीक है। आपको मालूम है कि कॉइल का एक दो सिरा होता है और एक कॉइल, ये जो बक लाइन होता है इसको हम बोल सकते हैं सीरीज में लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ, ये पैरेलल नहीं, एक साइड ग्राउंड नहीं होगा, दोनों साइड कुछ ना कुछ रीडिंग वैल्यू शो होनी चाहिए। जब ये कॉइल शॉर्ट है इसका मतलब ये पावर सेक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये पावर एसी के अंदर शॉर्टिंग है, अदरवाइज ये जिस सेक्शन में लगा हुआ है उधर भी शॉर्टिंग है, मतलब अप डाउन दोनों लाइन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है। अभी कौन सी लाइन शॉर्टिंग है उसको कन्फर्म किस तरीके से करना है, तो उसके लिए गाइस क्या करना होगा आपको लेके चलेंगे हम। सबसे पहले हम इस कॉइल को मूव करते हैं, मतलब इसके कॉइल को जो है इसको हम रिमूव करते हैं, उसके बाद जाके गाइस जो है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कॉइल गाइस हमने इनको रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब एक बार गाइस इस, अभी इस कॉइल को हमने निकालने के बाद क्या हो गया गाइस, इसमें दो रास्ता हो गया, ठीक है। ऐसे कॉइल लगा हुआ था तो एक रास्ता था, अब इस पर दो रास्ता हो गया, ठीक है। अब दोनों रास्ता पे मुझे चेक करना है कि जो हमारा रास्ता है वो कौन से रास्ते में शॉर्टिंग आ रही है, पावर लाइन के पावर वाले रास्ते में शॉर्टिंग आ रही है या फिर ये लाइन और कहाँ जा रहा है उस वाले रास्ते में शॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ आपके सामने, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ गाइस, देखो इस पर मैं टच करता हूँ, तो गाइस यहाँ पे देखो कितनी रीडिंग आ गई, यहाँ पे 385 रीडिंग आ चुकी है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब जस्ट मैं इस वाले पॉइंट पे अगर चेक करूँ तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाला पॉइंट जो है, ये जो लाइन है ये अभी भी शॉर्ट आ रहा है, 0.20 यहाँ पे आप देखो गाइस कि पूरा का पूरा लास्ट में हमारा जो है वो शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, 0002 आ रहा है, ठीक है। तो ये गाइस ये शॉर्ट है। अब ये लाइन कैसी लाइन है, कहाँ जा रही है, उसको हम चेक करेंगे। उसके लिए गाइस हम सबसे पहले, ये Realme 3 मॉडल है, तो इसके लिए गाइस हम आपको पहले बिट मैप के ऊपर लेके चलेंगे, मतलब इनके जो है वो सोल्यूशन पे लेके चलेंगे, मतलब जिनका
स्मैटी के उस पर लेके चलेंगे। तो इसके लिए गाइज मैं सबसे पहले यहाँ पे जो बीट मैप है वो ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ पहले इस साइड, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ। आपको ये देखो गाइज ये रियलमी 3 मॉडल है, इस पर गाइज मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब गाइज इसका जो बीट मैप है वो ऑन होने का हम वेट करते हैं और इसके बीट मैप पे चेक कर लेते हैं गाइस ये लाइन कहाँ कहाँ जुड़ रही है जाके, मतलब इसका कोई एक रास्ता होगा जहाँ पर ये प्रॉपरली कनेक्ट हो रही होगी। तो मैं एक बार इसको आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार सही से दिखाता हूँ गाइस, ये देखो गाइस ये वाली कॉइल हमारी शॉर्ट थी, ठीक है। एक इधर की लाइन ओके थी, इधर पर मैं टच करता हूँ, देखो गाइस जैसे हमने इस पर टच करा तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक 3 कॉइल के साथ कनेक्टेड है। इधर भी कुछ काफ़ी कुछ कॉइल्स लगे हुए हैं और ये सप्लाई गाइस जा कहाँ आ रही है वो देखते हैं। इसको मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, ये देखो गाइस ये जा रही है लाइन हमारी सीपीयू के अंदर, ठीक है। मतलब गाइस ये लाइन हमारी सीपीयू के लिए जब बन रही है, ठीक है गाइस। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कम वोल्टेज वाली लाइन है तो यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेजेस इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली लाइन, ठीक है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोजिन पेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर रोजिन पेस्ट अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ हमारी जो है वो डैमेज है या फिर शॉर्टिंग है क्या है। तो फिर से एक बार हम फ़ोन के ऊपर आते हैं, ठीक है, और आपको ये सेक्शन दिखाते हैं गाइस, ठीक है। देखो गाइस इसके ऊपर आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आप एम्पेयर है या वोल्टेजेस है इसके ऊपर 5 एम्पेयर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पहले बताया ये एम्पेयर ज़्यादा बनाता है वोल्टेजेस कम बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा बक लाइन होता है। तो अभी इसके ऊपर हम जो वोल्टेजेस है वो हम गाइस 2 वोल्टेज सेट करके 5 एम्पेयर इसके ऊपर देंगे और देखेंगे क्या चीज़ मेल्ट हो रहा है। देखो पावर जो सीपीयू सेक्शन है वो पूरी तरीके से कवर है, इसके ऊपर किसी ने कोई भी काम नहीं किया है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ इसकी कवर को हटा देता हूँ, हो सकता है सीपीयू शॉर्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए ये जो पूरा इस तरीके से इसके ऊपर की जो लेयर है गाइस उसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और इसी तरीके से रहने देंगे बट ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये खाली ऊपर का जो लेयर है उसको हमने हटा दिया है इस तरीके से गाइस, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर ये देखो गाइस ये मैंने हीट वाला जो इस पर लगा हुआ था पैड उसको मैंने हटा दिया है। ये गाइस हमारी सीपीयू, ठीक है। अब इधर हम अप्लाई करेंगे रोजिन और गाइस यहाँ पे देखो ये सेक्शन पे अप्लाई करेंगे, हुई इधर भी हमारी सप्लाई थी। तो चलो एक बार पहले फटाफट रोजिन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गाइस मैंने हल्का यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ और उसके बाद गाइस यहाँ पे हम जो है वो चीज़ जो हमने वोल्टेज और एम्पेयर बताया है वो गाइस यहाँ पे हम इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेड पॉइंट, हम इसको ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से रेड वाले को यहाँ पे सिंपली हम ग्राउंड कर देते हैं। जो लाइन में हमारी शॉर्टिंग थी, ठीक है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ इस तरीके से, इनका जो ये ब्लैक पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे ग्राउंड पे टच कर देता हूँ, ठीक है। हमने गाइस टच कर दिया है, शायद आपको ये साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन पे गाइस यहाँ पे ये शॉर्ट आ रहा था ये पॉइंट, तो हम इसके ऊपर टच करेंगे। देखो गाइस जैसे गाइस हमने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे एक लाइन हमारी शॉर्ट जो है वो एक यहाँ पे जो कैप है वो देखो पूरा मेल्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। बैक साइड में अगर देखूँ तो बैक साइड कुछ भी नहीं हुआ, ये आप देखो बैक साइड बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है। और इधर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो एक कैप यहाँ पे मेल्ट हो गया, ये देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ से जो पॉइंट्स की प्रॉब्लम्स है वो पकड़ा गई है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, ये वाला कैप पहले मेल्ट हुआ था ये वाला। तो इस कैप को गाइस हम कुछ इस तरीके से यहाँ से तोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको हमने निकाल दिया यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इस, तो सिंपली गाइस यहाँ पे जो है ये कैप है, जो कैप गाइस शॉर्ट दिखा रहा था यहाँ से जो हमने कैप निकाला था, ठीक है। देखो गाइस हमारा जो फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो गया था, ठीक है। और गाइस हमने आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाई है, जब ये शॉर्ट फाइंड हो गया है तब जाके गाइस हमारी वीडियो मिस हुई है, फिर मेरी वीडियो कट हुई है, ठीक है। तो गाइस वैसे मैं कोई वीडियो के अंदर कोई भी एडिट या फिर कोई भी छाट फाट या कोई भी फेक नहीं बनाता हूँ गाइस, मैं जो भी बनाता हूँ बिल्कुल क्लियर बनाता हूँ।
ये जो गाइस हमारी वीडियो अभी स्टॉप हुई थी, ये हमारे फ़ोन के कारण हुई थी। और ये फ़ोन किस कारण के वजह से हुआ कि जिस स्टेन से या जिस हमारी एक लाइट वाली स्टेन है उसके ऊपर मैं फ़ोन को रख के मैं वीडियो शूट करता हूँ गाइस। ठीक है, क्या होता है जब वो लाइट वाली स्टेन ओवर हीट हो जाती है, ठीक है, हीट होने की वजह से क्या होता है हमारा फ़ोन भी हीट हो जाता है, और ओवर हीटिंग की वजह से हमारे फ़ोन का जो गाइस कैमरा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हमारा जो फ़ोन है गाइस वो सैमसंग का है, इसी के वजह से ऐसी प्रॉब्लम मुझे कई सारी वीडियोज़ में करने को या फिर देखने को मिलती है। पहले के वीडियोज़ में काफ़ी मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही थी, जब से हमने गाइस माइक्रोस्कोप पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप से रिकॉर्ड करते हैं कोई मसला नहीं है। जब हम फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं तो फ़ोन पर जो हमारी लाइट स्टेन के ऊपर फ़ोन होता है वो थोड़ा सा जो है हीट होने की वजह से हमारे फ़ोन भी हीट हो जाता है, और हमारा टेम्परेचर डिवाइस का जो सेंसर लगा होता है उसके वजह से हमारा कैमरा वगैरह सारा बंद हो जाता है गाइस। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे ठंडा भी करना पड़ता है कई बार, फ़ैन को चला के जो हमारा जो लाइट है उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, तब जाके हमारा जो फिर से फ़ोन भी ठंडा होता है नॉर्मल, तब से फिर जाके कैमरा ऑन होता, नहीं तो ओवर हीटिंग प्लीज़ कूल डाउन करके हमारा डिवाइस बताता है। तो इसलिए वीडियो हमारा पॉज हो गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे देखो गाइस ये कैप है जो कि हमने यहाँ से निकाला था, ये कैप गाइस मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ गाइस। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ मैं आपको क्लियर बताता हूँ गाइस, मैं कुछ भी आपको हेयर फेयर करके बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। अभी गाइस मैं एक बार इसको बज़र मोड के ऊपर इसको मैं रख देता हूँ, और गाइस यहाँ पर ये कैप है जो कि हमारा शॉर्ट आ रहा था। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पर इसको चेक करवाता हूँ आपको। ये देखो गाइस ये कैप हमारा शॉर्ट था, ये देख सकते हो, इस कैप शॉर्ट होने के वजह से गाइस ये हमारी जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। अभी गाइस हम क्या करते हैं एक बार इसको डायोड मोड के ऊपर रखते हैं, और आपको गाइस इसकी ये जो लाइन पे हमारा रीडिंग नहीं आ रहा था वहाँ पे एक बार हम रीडिंग को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार कुछ इस तरीके से इस वाले पॉइंट के ऊपर मैं टच करता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे रीडिंग हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, और इधर तो ऑलरेडी पहले ही नॉर्मल रीडिंग हमारा बना हुआ था। तो गाइस यहाँ से शॉर्टिंग हमारा जो था वो फाइंड हो चुका है। अभी क्या करते हैं इस वाले कॉइल को हम इस यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद जाके गाइस इसको हम ऑन करके देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो फटाफट हम कॉइल को लगा लेते हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पे इसके ऊपर हमने जो है वो कॉइल भी गाइज लगा दिया है। ठीक है गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कॉइल लगाने के बाद भी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो शॉर्ट आ रहा था वो अभी भी शॉर्ट है या फिर चला गया। वैसे गाइज इसकी शॉर्टिंग चली गई है तो इस पर कोई मसला नहीं होगा, कोई शॉर्टिंग इसके ऊपर गाइज होगा नहीं। ठीक है, देखो गाइज यहाँ पे रीडिंग हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ इधर में अगर टच करता हूँ तो यहाँ पे भी रीडिंग हमारी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस एक बार मैं सेट को ऑन करके देखता हूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ। तो इस तरीके से गाइस मैं एक बार फ़ोन को ऑन करके देखता हूँ सब कुछ गाइस, यहाँ पे हम लगा देते हैं और एक बार गाइस ऑन करते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा सेट है वो गाइस यहाँ पे ऑन हो चुका है। ये गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो सेट है गाइस वो ऑन हो चुका है, जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन पे गाइस हमारे पास ये फ़ोन रिपेयर में आया हुआ था, अभी गाइस यहाँ पे ये ऑन हो चुका है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो गाइस आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर हमने किस तरीके से गाइस इस फ़ोन को रिकवर किया है, ऑन किया है गाइस। ठीक है फ्रेंड, तो गाइस इसी तरीके से जो है आप जो है फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो गाइस। अगर ये वीडियो गाइस आपको पसंद आया या फिर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर गाइस अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। हम मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गाइस अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए गाइस। ये सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, इसका टेंशन आपको लेना नहीं है। ठीक है भाई, टेक केयर, हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।